हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रोजाना की तरह लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 4 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपका अनअकैडमी ऐप पर एक एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी ऐप पर राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर मेरे 550 फॉलोवर्स हैं और लगभग मेरे 10,000 व्यूज हो चुके हैं, तो व्यूज बढ़ाइए। व्यूज बढ़ाने के लिए आप अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करें और साथ ही साथ डेली डेली नए नए वीडियोज राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के देखते रहें, और यह कोर्सेज आपके पर मंथ पर डे बढ़ते जाएंगे और पर डे आपके लेसन्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो प्लीज, इस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे खेद है कि पिछले 3 दिनों से आपको हमारा करंट अफेयर्स नहीं मिला है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड नहीं करा सका। आज भी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके। साथ ही शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। तो स्टेट ओवन्ड टेलीकॉम फर्म BSNL हैज बिकम द फर्स्ट ऑपरेटर टू स्टार्ट ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस इन पुलवामा विद द लॉन्च ऑफ भारत फाइबर। दिस इज द फर्स्ट सच FTTH फाइबर टू द होम सर्विस डिप्लॉयमेंट इन द कश्मीर वैली। राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार फर्म BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड भारत फाइबर के लॉन्च के साथ पुलवामा में ऑप्टिकल फाइबर आधारित उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। यह कश्मीर घाटी में अपनी तरह का पहला फाइबर टू द होम सेवा परियोजन है। नेक्स्ट, मैंगलुरु सिटी पुलिस हैज लॉन्च्ड ए ऑल वुमेन पुलिस पेट्रोल यूनिट रानी अब्बा का फोर्स। द फोर्स विल कवर द मॉल्स, बीचेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, places of religious importance and the public transport system and handle issues related to U-testing and chain snatching among others. Mangaluru City पुलिस ने एक सभी महिला पुलिस गश्त इकाई रानी अब कक्का फोर्स का गठन किया है। यह बल मॉल, समुद्र तटों, शैक्षिक संस्थानों, धार्मिक महत्व के स्थानों और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की निगरानी करेगा और अन्य लोगों के साथ छेड़खानी और चैन स्नेचिंग से संबंधित मुद्दों को संभालेगा। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली साइंड एंड MOU मेमोरेंडम ऑफ यूनिट अंडरटेकिंग इन न्यू दिल्ली फॉर सेटिंग अप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस UOE फॉर वेस्ट to wealth technologies for implementation of sustainable scientific and technological solutions for waste management. भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थायी वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान के कार्यान्वयन के लिए वेस्ट टू वेल्थ प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE की स्थापना के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, टू नैब टैक्स इवेडर्स एंड रिड्यूस ब्लैक मनी जनरेशन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN साइंड एन एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन द टू। टैक्स चोरों को पकड़ने और काले धन को कम करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN ने डेटा के परस्पर आदान प्रदान की सुविधा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द 16th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ एशिया कॉरपोरेशन डायलॉग
एसीडी वाज हेल्ड इन दोहा कतर। जनरल डॉक्टर वी के सिंह रिटायर्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स लेड द इंडियन डेलीगेशन। द थीम ऑफ द मीटिंग वाज पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। एशिया सहयोग वार्ता एसीडी की 16वीं मंत्री स्तरीय बैठक दोहा कतर में आयोजित की गई। जनरल डॉक्टर वी के सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने विदेश राज्य मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक का जो विषय था वह था पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन असाइंड इनटू लॉ ए न्यू मेजर दैट एम्स टू एक्सपैंड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इंटरनेट। इट वुड इनेबल द क्रिएशन ऑफ ए नेशनल नेटवर्क एबल टू ऑपरेट सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द न्यू लॉ एम्स टू प्रोटेक्ट रशिया फ्रॉम फॉरियन ऑनलाइन रेस्ट्रिक्शंस बाई क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल सिक्योर एंड फुली फंक्शनिंग लोकल इंटरनेट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विवादित संप्रभु इंटरनेट कानून पर हस्ताक्षर किया है जिसका उद्देश्य इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण का विस्तार करना है। यह एक राष्ट्रीय नेटवर्क के निर्माण में सक्षम होगा जो दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग संचालित होगा। नए कानून का उद्देश्य स्थायी, सुरक्षित और पूरी तरह से कार्यरत स्थानीय इंटरनेट बनाकर रूस को विदेशी ऑनलाइन प्रतिबंधों से बचाना है। नेक्स्ट, द यूके पार्लियामेंट बिकम द फर्स्ट नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर ए क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी। इट आल्सो कॉल्स फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड कार्बन न्यूट्रलिटी बिफोर 2050 एंड फॉर मिनिस्टर्स टू ड्राफ्ट प्रपोजल्स विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ टू रिस्टोर द कंट्रीज एनवायरमेंट एंड क्रिएट ए जीरो वेस्ट इकोनॉमी। ब्रिटेन की संसद जलवायु परिवर्तन आपातकाल घोषित करने वाली दुनिया की पहली राष्ट्रीय विधायी संस्था बन गई है। प्रस्ताव को एक वोट के बिना अनुमोदित किया गया और सरकार के किसी विशेष नीति प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किए बिना हाउस ऑफ कॉमन्स के विचारों को पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस न्यूज व्यापार समाचार की। तो हवाई टेक्नोलॉजीज को ओवरटुक एप्पल इन INC 2 क्लेम द नंबर 2 सपोर्ट इन स्मार्टफोन्स मेकिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर मूविंग ए स्टेप क्लोजर टू इट्स अवार्ड एम्बिशन ऑफ डिस्प्लेसिंग सैमसंग एट द टॉप ऑफ द मार्केट। हवाई बीन स्टेडली गेनिंग ऑन एप्पल एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन विद एन इंक्रीजिंगली हाई एंड लाइन अप ऑफ डिवाइसिस। इस वर्ष की पहली तिमाही में निर्मित स्मार्टफोन्स में नंबर 2 के स्थान पर कब्जा करने के लिए हुआई टेक्नोलॉजीज कंपनी ने एप्पल इंक को पीछे छोड़ दिया है। इसने बाजार प्रमुख सैमसंग को विस्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा के करीब एक कदम और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। फॉर्मर इसरो चेयरमैन AS किरण कुमार वाज कन्फर्ड विद फ्रांसिस हाइएस्ट सिविलियन ऑनर चेवलियर डी लॉर्ड नेशनल डी ला लीजन डी ऑनर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रांस स्पेस कॉरपोरेशन। कुमार वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनर बाई फ्रांस एम्बेसडर टू इंडिया एलेक्जेंडर जिगलर ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट। इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार को भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी लॉर्ड नेशनल डी लॉर्ड लीगियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। कुमार को फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्जेंडर जैगलर द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। तो वर्ल्ड नंबर 1 बजरंग पुनिया हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट द ALEU रेसलिंग टूर्नामेंट आफ्टर डिफीटिंग विक्टोर रसेडिन ऑफ रशिया इन द 65 kg फ्री स्टाइल इन कैपिस्क। बजरंग हु इज पार्ट ऑफ द GSW स्पोर्ट्स एक्सीलेंस प्रोग्राम विल फाइट एट द हिस्टोरिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन एरिना। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बजरंग पूनिया कपिसक में 65 kg फ्री स्टाइल में रूस के एक विक्टर रसाडिन को हराकर अली अलाइव कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गया है। उन्होंने चीन के सियान में एशियाई चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। GSW स्पोर्ट्स एक्सीलेंस प्रोग्राम का हिस्सा बजरंग ऐतिहासिक मेडिसन स्क्वायर
गार्डन एरिना में भी मुकाबला करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, जयपुर विल होस्ट द 8th एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप इन विच 10 टीम्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। इट विल बी प्लेड इन अगस्त 2019। द प्रीवियस एडिशन इन 2017 वाज हेल्ड एट जकार्ता इन इंडोनेशिया वेयर साउथ कोरिया वाज द चैंपियन वाइल जापान एंड चाइना वर प्लेस्ड सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। जयपुर 8वीं एशिया युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसमें 10 टीमें भाग लेंगी। यह अगस्त 2019 में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली ने 2015 में इसकी मेजबानी की थी, जहां मेजबान भारत 7वें स्थान पर रहा था। इस प्रतियोगिता का पिछला संस्करण 2017 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला और द्वितीय और तृतीय स्थान पर, दूसरे और तीसरे स्थान पर जापान और चीन रहा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।